तो मैं तनवीर परवीन आपका स्वागत करती हूँ आर्ट बुटीक में, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मार्केट में बने हुए गलों का सूट होता है उसका आप घर पे फिनिशिंग के साथ कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे ये गला है, हमको पहले इस गले की चौड़ाई नापनी पड़ेगी, इसका चौड़ाई कितना है। अगर आपको इस गले का जैसे चौड़ाई है 7.25 इंच और अगर आपको इस गले को बनाना है 6 इंच में, तो आपको पहले इस गले की मार्किंग करनी पड़ेगी। इसको फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके आप इधर से मार्किंग कीजिएगा कि आपको गले कितना, आपको गले का चौड़ाई कितना चाहिए। अगर आपको 6 इंच चाहिए तो आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक मार्किंग करनी पड़ेगी 6 इंच के लिए, यानी 3 इंच पे मार्क करना पड़ेगा। इतना इंच पे आप मार्क करके पूरा राउंड लेकर आ सकते हैं नीचे तक, और उसके बाद आप इसको इतने पे ही आप कपड़े से बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये गला जैसा है, जितना इसका चौड़ाई उतना ही चौड़ाई में बनाना है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे फिनिशिंग से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे ही आपका गला है, उस पर आपको ऐसा यहाँ पे फैब्रिक अटैच करना है। इसको आप चाल से अटैच कर सकते हैं फैब्रिक को, मशीन पे इसकी बड़ी चाल से इसको आपको अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स, इस कपड़े को मैं इस पर अटैच करने के बाद इसको सीधी तरफ से ऐसे हमें मशीन पे यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई चलाना होगा। फ्रेंड्स, इसको अटैच करने के बाद हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई चलाना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए फ्रेंड्स, हमने इस फैब्रिक पे पूरे यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला ली। अब सिलाई चलाने के बाद हमको क्या करना है, इसको ऐसे पलटना है, और जितना पे भी हमने गला ऐसा किया है उस पर हमको निशान देकर इसको कट कर लेना है। इस तरीके से गला 1/2 इंच के मार्जिन से इसको कट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो इधर दिख रहा है हिस्सा, इस पर 1-1 इंच का मार्जिन लेके निशान लगाना और फिर उसको कट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये 1/2 इंच के मार्जिन पे इसकी कटिंग कर ली। अब इसमें से हमको इसको ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा मार्जिन के साथ इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। आइए हम इसको कर लेते हैं। फिर इसे मोड़ने के बाद फ्रेंड्स, अब जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, इस पर छोटा छोटा कट लगा देंगे इसको फोल्ड करने के लिए। कट लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड कर ले सकते हैं और कर देंगे, और यहाँ पे जो किनारी है इस पर हम दाब सिलाई से लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजिएगा।